नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इन टूडेज यूट्यूब वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनल फिशर्स। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन। An anal fissure is a small longitudinal tear in the lower anoderm that may occur when a hard stool is passed. So, जो lower anoderm होती है, यानी skin of anus, उसके अंदर जो longitudinal tears, यानी longitudinal cuts जब produce हो जाते हैं, जो कि maximum time hard stool pass होने की वजह से form होते हैं, उसी को हम एनल फिशर्स कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ एनल फिशर। जनरली एनल फिशर्स आर मल्टीफैक्टोरियल। तो इसमें इनिशिएटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पोस्टेरियर पेरिनियल डिसेंट कपल्ड विथ एक्सेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द एनोडम, दिस मेक्स वल्नरेबल टू द टीयरिंग। रिलेटिवली फिक्स्ड एनोकोकल लिगामेंट पोस्टेरियरली, एक्सट्रीम बॉवल पैटर्न दैट इज हार्ड स्टूल, एक्सप्लोजिव डायरिया अगर होता है तो उसकी वजह से भी एनल फिशर्स फॉर्म हो सकते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग एट डिफिकेशन मे ऑल्सो कॉज एनल फिशर्स। देन वी विल सी व्हाट आर द परपेचुएटिंग फैक्टर्स। इंट्रिंसिक एनल स्फिंक्टर हाइपरटोनिया, देन रिलेटिव टिश्यू इस्कीमिया, यानी कि जो एनोडर्म है यानी कि एनस की स्किन है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है और उसकी वजह से वहाँ पे हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती और उसकी वजह से कई बार ब्लड सप्लाई अच्छा ना होने की वजह से भी वहाँ पे कई बार एनल फिशर्स फॉर्म हो सकते हैं। देर इज पॉसिटी ऑफ ब्रांचेस ऑफ इन्फेरियर रेक्टल आर्टरी and less dense capillaries in the subanodermal space makes the anoderm vulnerable for tears. Then posterior perineal descent. इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें क्लिनिकल क्लासिफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक एनल फिशर्स ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। If the symptom are less than 6 weeks old, then we call it as acute. डेढ़ महीने से अगर कम टाइम है तो कम टाइम से सिम्टम्स है तो हम उसको एक्यूट एनल फिशर कहेंगे, और उससे ज़्यादा है तो फिर हम उसे क्रॉनिक एनल फिशर्स कहेंगे। हेयर वी कैन सी द रियल फोटोग्राफ ऑफ एनल फिशर। इस तरीके से एनोडर्म के अंदर ये लॉन्जिट्यूडिनल टीयर्स जब फॉर्म हो जाते हैं तब हम उसको लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिट, लॉन्जिट्यूडिनल टीयर जब फॉर्म हो जाते हैं तब हम उसे एनल फिशर कहते हैं, या फिशर्स इन एनो भी कह सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन कंटिन्यूड बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द फिशर। अब इसमें सुपरफिशियल फिशर और डीप फिशर, इस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली जब फिशर्स ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर तक जब पहुंच जाते हैं तब उसको हम डीप फिशर्स कहते हैं, और अगर ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर के फाइबर तक नहीं पहुंच पाते तब हम इसको सुपरफिशियल फिशर्स कहते हैं। सो सुपरफिशियल फिशर्स आर हैविंग सीवियर पेन प्लस ब्लीडिंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सुपरफिशियल सेपरेशन ऑफ द एनोडर्म विद शार्प एजेस, द बेस ऑफ द फिशर डज नॉट रीच द इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सुपरफिशियल फिशर्स हील स्पॉन्टेनियसली विद इन डेज और विद इन वीक्स ऑफ अप्रोप्रिएट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। देन डीप फिशर्स, डीप ऑफन विथ विजिबल फाइबर्स ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, मिनिमल ग्रैनुलेशन टिश्यू एट द बेस, वाइड पियर शेप्ड अल्सर, देन ट्रायड ऑफ इंड्यूरेशन इंड्यूरेटेड अल्सर एजेस, और डिस्टल स्किन टैग विच इज कॉल्ड एज सेंटिनल पाइल, एंड अ प्रॉक्सिमल हाइपरट्रॉफिक एनल पैपिली।
ये ट्रायड हमको जनरली डीप एनल फिशर के अंदर मिलेगा. ऑफन परसिस्ट एंड आइदर टेंड नॉट टू हील विदाउट इंटरवेंशन और रिकर रेगुलरली विदाउट कोई ऑपरेटिव या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बिना ये जल्दी से हील नहीं हो पाते. दे मे रिजल्ट क्रॉनिकली फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ द कॉजेस ऑफ सुपरफिशियल एनल फिशर और दे मे अराइज ड्यू टू नोवो एज अ रिजल्ट ऑफ अ डीप टीयरिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट. यानी कि डीप फिशर्स जो हैं ये सुपरफिशियल फिशर्स का ट्रांसफॉर्मेशन डीप में हो सकता है या ऑलरेडी बिगिनिंग से ही ये डीप फिशर्स भी हो सकते हैं. देन लोकेशन पोस्टीरियर मिडलाइन एंड एंटीरियर मिडलाइन. तो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली ये दो लोकेशन में ही सबसे ज़्यादा एनल फिशर हमको मिलेंगे. तो सबसे ज़्यादा एनल फिशर हमको मिलेंगे पोस्टीरियर मिडलाइन के अंदर 75% ऑफ केसेस में. उसके बाद एंटीरियर मिडलाइन में भी ये हमको मिल सकते हैं बट नियर अबाउट 25% केसेस में. और एंटीरियर में जनरली जो फीमेल्स हैं जिनके अंदर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ हुआ है उनके अंदर ही जनरली एंटीरियर मिडलाइन में एनल फिशर्स मिलते हैं. मोस्टली पोस्टीरियर मिडलाइन में मिलते हैं. देन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऐसा भी हो सकता है ये जनरली 3% ऑफ केसेस में मिलता है. देन अटिपिकल लोकेशन और मल्टीपल अल्सर्स भी हो सकते हैं जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हैं उनके अंदर होते हैं जैसे क्रॉन्स डिसीज है, ट्रॉमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिस है, एड्स है या एनल कार्सिनोमा. देन एनल पेन, ये सिम्टम्स हैं. एनल पेन विच इज़ प्रीडोमिनेंट सिम्टम ड्यूरिंग डिफिकेशन मे लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स टू आवर्स और एंटायर डे. यानी जो शार्प बर्निंग लाइक नाइफ कटिंग जैसे लगता है कि चाकू से किसी ने कट कर दिया है इस तरीके से, या सीवियर बर्निंग पेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है. कभी कभी ये पेन घंटों तक चलते रहता है, कभी कभी पूरा दिन भी ये पेन हो सकता है. रेक्टल ब्लीडिंग मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, और अगर ब्लीडिंग होती है तो बहुत कम ब्लीडिंग इसमें दिखाई देती है. प्रूराइटस एनी यानी इचिंग एट द साइट ऑफ एनस मे बी प्रेजेंट. फिजिकल एग्जामिनेशन में विजुलाइज्ड बाय जेंटल पेयरिंग पार्टिंग ऑफ द बटक्स विथ इवर्जन ऑफ द एनल वर्ज. देन पोजिशन ऑफ फिशर्स, फिशर्स ऑफ रेक्टल एंड क्रॉनिक फिशर्स, डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोडोस्कोपी इज ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू. यानी ये प्रोसीजर्स हम नहीं कर सकते जनरली क्योंकि सुपरफिशियल या डीप फिशर्स जो है वो जनरली बाहर से ही नज़र आ जाते हैं, तो ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती. इन एक्यूट सेटिंग व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ सेकेंडरी पैथोलॉजी दिस प्रोसीजर कैन बी डन अंडर एनेस्थीसिया और व्हेन सर्जरी इज बीइंग अंडरटेकन. उसके बाद नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक एनल फिशर. हाफ ऑफ द पेशेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक एनल फिशर विल हील विथ नॉन ऑपरेटिव मेजर्स, नॉट एज इफेक्टिव एज सर्जरी. लेट रिकरेंस इज हायर अबाउट 50% विथ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट. एसोसिएटेड पेन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रॉमा टू सेंटिनल पाइल्स विल बी देयर. परसिस्टेंट टेनिसमस और सॉइलेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस पॉलिप may be seen. Side effects and non-compliance are also seen. Then operative procedures कौन-कौन से इसमें होते हैं. For treatment failure we go for, अगर medicinal treatment fail होता है तो हम operative procedure की तरफ जाते हैं. अगर sentinel piles भी है तो भी इसका मतलब deep fissure है और हमें उसमें ऑपरेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए. सर्जिकल एक्सीजन ऑफ सेंटिनल पाइल एंड फाइब्रस पॉलिप रिलीव्स सिम्टम्स एंड ऑफर गुड हीलिंग फॉर फिशर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट. उसके बाद एक ऑपरेटिव प्रोसीजर अभी डिज़ाइन हुआ है जिसको हम कहते हैं लैटरल इंटरनल स्पिंटरेक्टॉमी एंड इट हैज़ बीन द बेस्ट रिजल्ट इन एनल फिशर्स. तो ये ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है लैटरल इंटरनल स्पिंटरेक्टॉमी ये काफ़ी पॉपुलर है और इससे काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और अच्छे तरीके से हीलिंग
पॉसिबल होती है, रिकरेंस रेट भी इसमें कम होता है। देन नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ट्रीट बोथ इनिशिएटिंग एंड परपेचुएटिंग फैक्टर कॉन्करेंटली। डाइटरी एडवाइस, मेडिकेशन, बायोफीडबैक एंड पेरिनियल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड। देन सिड्स बाथ एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस कैन बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। सिड्स बाथ वो होती है जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर या इतना वार्म वाटर जितना के पेशेंट को बियर हो सके, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डेटॉल या कोई एंटीसेप्टिक लोशन डाल के या कैलेंडुला डाल के पेशेंट को उसके अंदर विदाउट क्लोथ्स बैठने के लिए हम कहते हैं, एक टब के अंदर पानी लेके उसके अंदर सिट यानी बैठने के लिए कहते हैं, जिसको सिड्स बाथ कहते हैं। सो ये 2 से 3 बार दिन में करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं। इस ये सिड्स बाथ करने से कई बार जो स्पिंक्टर का स्पाजम है वो कम हो जाता है और एनल फिशर का पेन भी कम हो जाता है। देन टॉपिकल प्रिपरेशंस लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट। यानी लोकल जो जगह है जहाँ पे फिशर है वहाँ पे हम पेशेंट को लगाने के लिए टॉपिकल प्रिपरेशंस यानी ऑइंटमेंट्स भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज प्रेजेंटेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।